नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ ओम हरि ओम हरि परंपरा चला दी फटाकड़े फोड़ने की। हवामान भी गंदा होता है, पैसे भी जलते हैं। सेठ को किसी ने अंध परंपरा का सजेशन दे दिया, दोबारा कहीं ऐसा होगा तो मैं सत्संग में नहीं आऊंगा, ये खबर कर दो संचालकों को। पटाखों के हम खिलाफ हैं। पटाखे फोड़ना बुद्धिमानी नहीं है सत्संग में। और क्या हाल चाल है? कोई भी सत्संग करवाता है तो पहले बोल देना, पैर छूना और फटाकड़ा फोड़ना तो सत्संग कैंसिल है। हरी हरी बोल। क्या हाल है देवास के देवता लोग? बैठो। ये किसने चला दी ऐसी आदत फटाकड़े की? अब कहीं भी सत्संग होगा फटाकड़े फूटेंगे, वहां सत्संग कैंसिल करूंगा। इनके बेचारों को पता नहीं था, नए थे। क्या हाल चाल है यो भोजू? देवास के देवता लोग हो तुम? देवास में पंडाल के बीच रेलगाड़ी का भी देखी? अभी रेलगाड़ी चलेगी। तो चुप करके बैठ सकता है? देवता क्या हाल चाल है? मौज है? नारायण नारायण। इनका तो हमारे पर इनका तो लेना देना है ए नहीं। तीन बातें रखने का है, फटाकड़ा, पैर छूना और फूलहार बड़ा। नारायण हरि, नारायण हरि, हरि ओम हरि। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को, और भगवान श्री रामचंद्र जी कुर्सी कुर्सी जी भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को वशिष्ठ जी के आश्रम में ले जाते, और वनवास के समय श्री रामचंद्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय ऋषियों के आश्रम में जहाँ सत्संग होता है वहां ठहरते हैं। भरद्वाज आश्रम में ज्यादा समय ठहरते, अत्रि आश्रम, अनुष्य आश्रम में सीता जी को सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करते हैं अनुष्या जी के साथ। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो कुसंग जरूर करेगा, जिसके जीवन में सत्कर्म नहीं है वो कुकर्म में जरूर गिरेगा, जिसके जीवन में सत्य स्वरूप चेतन स्वरूप परमात्मा का रस नहीं है वो काम रस क्रोध रस लोभ रस मोह रस अहंकार रस में आखिरी में जीवन नीरस कर देगा। भगवान शिव जी कहते हैं वे लोग धन भागी हैं, इको पड़े से बाहर, उनके माता पिता और कुल गोत्र धन्य है जिनके जीवन में सत्संग है और गुरु भक्ति है। आप बोलना, मैं देवास वासियों को शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूँ इस श्लोक के द्वारा।
धन्य माता पिता धन्यो धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः यत्र स्यात् गुरु भक्ततः हे पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य है बोलो? हमारी माता धन्य है। जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है, उनकी माता धन्य है। उनके पिता धन्य है। किसके पिता धन्य है बोलो? हमारे हाँ। उनका कुल और गोत्र धन्य है। किसका? हमारा। उनके कुल गोत्र में जो जन्म लेंगे उनको भी शिवजी धन्यवाद पहले से दे देते हैं, क्योंकि सत्संग सुना है। सत्संग सुनने से 72,72,10,201 नाड़ियों पर उसकी सात्विक असर पड़ती है। ये खोज भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने की, दुनिया के किसी और मजहब ने ये खोज नहीं की। 72 करोड़ वो वायर ढीली हो गई होगी। 72,72,10,200 नाड़ियां हैं, उसमें 22 नाड़ियां अत्यंत मुख्य है, 10 दाही और 10 बाही और मस्तक के, 20 हो गई। 21वीं नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी, जो ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने से साक्षात्कार होता है। और 22वीं नाड़ी है तालू में नाड़ी लगाकर, जीभ लगाकर जैसा भी सुने और चिंतन करे वो याद रह जाता है। योगी लोग अमृत पान करते हैं तालू नाड़ी में जीवा लगाकर, विद्यार्थी लोग स्मृति के रहस्यों का खजाना पा लेते हैं, और भक्त भक्ति को रसमय बना देते हैं। जैसे हरिओम का नाम उच्चारण करते हो, ह का हरि और ओम का म, पहला अक्षर आखिरी अक्षर, बीच में निसंकल्प अवस्था आ जाएगी। आप लंबा श्वास लो तो मेरे साथ बोलो, हरि ओम। हम हरि के हैं, जो पाप ताप हर ले, रोग शोक हर ले और अपनी शांति और चेतना भर ले, उस हरि का हम ध्यान करते हैं, ऐसा मन में सोचो। हरि ही ओ, भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निशिदिन साधक जो जपे, निशिदिन साधक जो जपे, सफल हुई सब काम, सफल हुई सब काम। हरि ओ, हरि ओ। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास, निर्भय पावई वास। हरि ओ, 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 ओ।
हरि ओम। अपना ध्यान करने का आसन बिछा कर, जो ध्यान के समय आसन नहीं बिछाते जप के समय, तो जप और ध्यान से एक प्रकार की आध्यात्मिक ओरा, आध्यात्मिक परमाणु, यूं कहें कि आध्यात्मिक बिजली जो बनती है वो अर्थिंग के द्वारा धरती में चली जाती। जो लोग नंगे पैर अथवा खुली जमीन पर या फर्श पर बैठते हैं उनके शरीर में अग्नि तत्व की कमी होने से, पाचन कमजोर होने से, गुर्दों का दर्द और शरीर का मोटापा और भी कई तकलीफें की संभावनाएं बढ़ जाती। लेकिन जो लोग आसन बिछाकर इन प्राकृतिक नियमों का रहस्य समझकर जप ध्यान करते हैं तो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने से बिना ऑपरेशन के, बिना एलोपैथी के जहरी दवाओं के उनका स्वास्थ्य आराम से ठीक हो जाता है। बस ठीक है।